नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। एकनाथ शिंदे को कुल 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान वोट किया। वहीं महाविकास आघाड़ी के लिए एक और झटके की खबर है। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायक संतोष बांगड़ ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया है, तो एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि ये सरकार ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने की मेहमान है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने शिंदे गुट के विधायकों की सुरक्षा पर तंज कसते हुए कहा कि जब ये लोग शिवसेना में थे तो ये खुले शेर की तरह घूमते थे, आज सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत पड़ रही है। इतनी सुरक्षा तो कसाब को भी नहीं देनी पड़ती थी। तो उधर दवा व्यवसायी उमेश कोल्हे की हत्या के गहरे राज अब उभर कर सामने आ रहे हैं। NIA की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई नई जानकारियां सामने आ रही है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। एकनाथ शिंदे को कुल 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान वोट किया। वही महाविकास आघाड़ी के लिए एक और झटके की खबर है। आघाड़ी गठबंधन के 5 विधायक बहुमत परीक्षण से गैर हाजिर है। इससे कांग्रेस के 3 विधायक है, जिसमें अशोक चव्हाण का नाम शामिल है। इसके अलावा आघाड़ी के 2 अन्य विधायक भी वोटिंग में नदारद है। कुल मिलाकर आघाड़ी सरकार के 8 विधायकों के वोट नहीं पड़ सके और उन्हें महज 99 वोट मिले। विश्वास मत का प्रस्ताव भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार और शिवसेना के भरत गोगावले ने रखा था। वनी मत के बाद विश्वास मत के प्रस्ताव पर विपक्ष वोट के विभाजन की मांग की गई। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान शिवसेना के एक अन्य विधायक श्याम सुंदर शिंदे ने अचानक पलटी मार दी और वो एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हो गए। 5 विधायकों को देर से पहुंचने की वजह से विधानसभा में एंट्री नहीं मिल सकी। वही समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी समेत दोनों विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संतोष बांगर, अशोक चव्हाण वोट डालने नहीं पहुंचे। विजय वडेट्टीवार का वोट भी नहीं पड़ा। वही जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख का भी वोट नहीं पड़ सका। महाराष्ट्र विधानसभा में वोटिंग शुरू हुई तो बहुमत के लिए हेड काउंट की प्रक्रिया का पालन किया गया। इसके तहत एक एक सीट पर जाकर विधायक से उसकी राय पूछी गई। हेड काउंट पूरा होने के बाद एकनाथ शिंदे को 164 विधायकों के समर्थन का खुलासा हुआ। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायक संतोष बांगड़ ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया है। इस प्रकार अब एकनाथ शिंदे के कैंप में विधायकों की कुल संख्या 40 हो गई है। दरअसल फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायक संतोष बांगड़ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास मौजूद नजर आए और वे विजयी निशान भी दिखा रहे थे। बताया गया कि संतोष बांगड़ महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के साथ सुबह से ही देखे गए हैं। बांगड़ सुबह होटल से शिंदे गुट के विधायकों के साथ निकले थे और उनके साथ विधानसभा पहुंचे थे। हिंगोली जिले के कलमनूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है संतोष बांगर। संतोष बांगर के शिंदे गुट में शामिल होने से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि विधायक संतोष बांगर के अलावा PW पार्टी के श्याम सुंदर शिंदे ने भी एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में वोट किया है। बहुजन विकास आघाड़ी को भी शिंदे का समर्थन मिल गया है। वहीं कांग्रेस के कुछ विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान अनुपस्थित बताए गए हैं। बता दें कि डिप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि शिंदे सरकार 166 वोटों के साथ बहुमत साबित करेगी। उन्होंने कहा था कि सबसे कम उम्र के स्पीकर उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने रविवार को 164 वोटों के साथ स्पीकर का चुनाव जीता। 2 विधायक स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं थे। हमें भरोसा है कि विश्वास मत में हम 166 वोटों के साथ अपना बहुमत साबित करेंगे। उनकी बात को बांगड़ की बगावत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि ऐसी सरकारों का भविष्य ज्यादा नहीं होता। ये सरकार ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने की मेहमान है, इसलिए मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे। पवार के बारे में अक्सर राजनीति के जानकार कहा करते हैं कि वो आज भी जो कुछ भी करते हैं उसका असर कुछ दिन बाद दिखाई देता है। लेकिन इस बार रणनीतिकार भी मानते हैं कि पवार ने ये बयान अपने पदाधिकारियों और नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए दिया है। जिस तरह से MVA सरकार सत्ता से बाहर हुई है, ऐसे में उनका मनोबल गिरा हुआ है। इसके अलावा बयान का उद्देश्य भी ये है कि बागी गुट के विधायकों में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके। पवार के अनुसार इस सरकार में भी सभी विधायकों को मनमाफिक मंत्री पद नहीं मिल पाएगा। साथ ही ये संभव है कि मिले हुए मंत्री पद से कई विधायक नाखुश हो। ऐसे हालात में बगावत के आसार है। यदि ऐसा हुआ शिंदे सरकार खतरे में आ सकती है। याद रहे जब 2.5 साल पहले महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ था, तब से लेकर सरकार गिरने तक BJP नेताओं से भी ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। उस समय विपक्ष में बैठी महाराष्ट्र BJP के कई शीर्ष नेताओं ने यह कहा था कि सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी।
कई नेताओं ने अलग अलग तारीखों पर सरकार गिरने संबंधी दावे भी किए थे। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, चंद्रकांत पाटिल, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का भी नाम शामिल है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शिंदे गुट के विधायकों की सुरक्षा पर तंज कसते हुए कहा कि जब ये लोग शिवसेना में थे तो ये खुले शेर की तरह घूमते थे, आज सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत पड़ रही है। इतनी सुरक्षा तो कसाब को भी नहीं देनी पड़ती। मुंबई में इतनी सुरक्षा दी गई कि एक तरह से सेना तक को बुलाना पड़ गया। सत्ता से कभी पार्टी नहीं बनी थी, बल्कि पार्टी है तो सत्ता आती और जाती रहती है। हमने कभी अपने लोगों पर अविश्वास नहीं जताया। राजनीति में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है जो टूट चुका है, लेकिन हमारी हिम्मत और हौसला नहीं टूटा है। हम कभी सत्ता के आसपास नहीं घूमे। उन्होंने कहा कि ये लोग शेर की तरह घूमते थे और आज इनकी हालत क्या है, डरे डरे घूम रहे हैं अब ये लोग। आप लोगों ने देखा ही होगा कि गुवाहाटी में कितनी सुरक्षा के बीच ये लोग थे। शिवसेना ने आज पार्टी के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है, इसमें पार्टी के बागी नेताओं को लेकर चर्चा की जाएगी और शिवसेना को मजबूत करने पर विचार किया जाएगा। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत करके पहले तो सरकार का गठन किया और अब पार्टी पर भी दावा ठोक रहा है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे लगातार संगठन को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कई बार सेना भवन जा चुके हैं और कार्यकर्ताओं से बात कर चुके हैं। खास तौर पर बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना को मजबूत करने पर उनका फोकस है। दवा व्यवसायी उमेश कोहली की हत्या के गहरे राज अब उभर कर सामने आ रहे हैं। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई नई जानकारियां सामने आ रही है। मास्टरमाइंड शेख इरफान शेख रहीम को नागपुर के हसनबाग से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की भनक लगते ही वह अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपा था। इस दौरान आरोपी इरफान ने मोबाइल से सारा डाटा डिलीट कर दिया था। अब आरोपियों के साथ ही संगठन से जुड़े लोगों का सीडीआर निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरोपियों ने ये सारा माहौल लोगों में तथा व्यापारियों में डर पैदा करने के लिए किया था, ताकि फिर कोई नुपुर शर्मा के समर्थन में ना उतरे। बताया जा रहा है कि हत्या की कोशिश दो बार पहले भी की गई, लेकिन वह विफल रही। 19 जनवरी को आरोपियों ने योजना तैयार कर ली थी, लेकिन कत्ल करने वाला मुख्य आरोपी डर गया, जिससे उस दिन घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। वहीं 20 जून को कोल्हे समय से पहले दुकान बंद कर चले गए, जिससे आरोपियों की योजना पर पानी फिर गया, लेकिन तीसरी बार कोई चूक नहीं हुई और व्यवसायी की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उमेश कोल्हे की गर्दन पर चाइना चाकू से वार किया गया था। वह वार 5x7 इंच का है। वार से कोल्हे की अन्न नली, ब्रेन व आंखों की नसें पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने वह चाइना चाकू भी जब्त कर लिया है। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक दादागिरी दिखा रहे चीन के अंतरिक्ष में बढ़ते मंसूबे पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख ने चेतावनी दी है। तो अपनी माली हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान गिलगित और बाल्टिस्तान इलाके को चीन के हवाले करने जा रहा है। इसके बदले उसे चीन से 19,000 करोड़ का नया कर्ज हासिल होने वाला है। वहीं सालों से संकटग्रस्त देश बना लीबिया धीरे धीरे भीषण गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। रोटी मांगती जनता का रोष चरम पर है। भीड़ ने देश की संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। तो उधर इंग्लैंड का एक कबूतर अपने घर से भटककर अमेरिका पहुंच गया। इस दौरान कबूतर ने लगभग 4,000 मील की यात्रा की। इस खबर को सुनने के बाद मालिक के होश उड़ गए हैं। इस बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अमेरिका के बसने वाले लोगों की संख्या लाखों में बताई गई है। इसमें भारतीय भी शामिल है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक दादागिरी दिखा रहे चीन के अंतरिक्ष में बढ़ते मंसूबे पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख ने चेतावनी दी है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा है कि चीन संभवतः चंद्रमा पर कब्जा करना चाहता है, जो उसके सैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। नेल्सन ने कहा कि अमेरिका अब एक नई अंतरिक्ष रेस से निपट रहा है, जो इस बार चीन के साथ है। इससे पहले अमेरिका की सोवियत संघ के साथ अंतरिक्ष में होड़ हुई थी, जो यूएसएसआर के विघटन के बाद समाप्त हुई। नासा के प्रशासक ने जोर देकर कहा कि चीन साल 2035 तक चंद्रमा पर अपने स्टेशन का काम पूरा कर सकता है और इसके एक साल बाद अपने प्रयोग शुरू कर सकता है। नेल्सन ने दावा किया है कि हमें निश्चित रूप से चीन के चंद्रमा पर उतरने, उसे चीन का घोषित किए जाने और दुनिया के अन्य देशों को उससे दूर रहने के ऐलान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक सैन्य स्पेस प्रोग्राम है। नेल्सन ने यह भी बताया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। जब उनसे पूछा गया कि चीन का अंतरिक्ष में सैन्य लक्ष्य क्या है, इस पर नेल्सन ने जोर देकर कहा कि चीनी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में यह सीखने में व्यस्त है कि किस तरह से दूसरे देशों के सैटेलाइट को नष्ट किया जाए।
उन्होंने कहा कि चीन भले ही दावा करता है कि उसका स्पेस प्रोग्राम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, हकीकत में ये ऐसा नहीं है। अपनी माली हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान गिलगित और बाल्टिस्तान इलाके को चीन के हवाले करने जा रहा है। इसके बदले उसे चीन से 19,000 करोड़ का नया कर्ज हासिल होने वाला है। इस समझौते के बूते चीन गिलगित बाल्टिस्तान के हुंजा इलाके में नियोबीम की बड़े पैमाने पर खुदाई कर रहा है। हुंजा में माणिक मोती और कोयले के 120 लाख मीट्रिक टन के भंडार है। चीन को हुंजा में बड़ी जमीन लीज पर मिली हुई है। हाल ही में यहाँ के स्थानीय लोगों ने चीन को लीज जारी किए जाने के विरोध में भारी प्रदर्शन भी किया था। बता दें कि गिलगित और बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका है, जिस पर लंबे समय से भारत अपना दावा जता रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से भी पाकिस्तान को 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। ऐसे में अब पाकिस्तान अपनी सरकारी संपत्तियों और इलाकों को गिरवी रख रहा है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के 52 कानूनों को अपने हाथ में ले लिया है। इसके मुताबिक सरकार को वहां की भूमि को किसी भी देश को लीज पर सौंपने का अधिकार मिल गया है। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को और अधिकार देने का ऐलान किया था। गिलगित और बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान ने पाकिस्तान सरकार पर 30 अरब रुपए की सहायता को मात्र 12 अरब रुपए करने का आरोप भी लगाया है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंपता है तो ये ड्रैगन के लिए वरदान साबित होगा और पाकिस्तान भी अपने मौजूदा आर्थिक संकट से निपट सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ सकता है। सालों से संकटग्रस्त देश बना लीबिया धीरे धीरे भीषण गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और रोटी मांगती जनता ने देश की संसद भवन को आग के हवाले कर लिया। लीबिया में पिछले कुछ हफ्तों से राजनीतिक संकट के बीच आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, जिसको लेकर जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को भारी प्रदर्शन करते हुए रैलियां निकाली गई और फिर गुस्साई भीड़ ने संसद को जला डाला। एक दशक से अधिक की उथल पुथल के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ने मध्यस्थता करवाने की कोशिश की थी, जिससे हालात सुधारने की उम्मीद बंधी, लेकिन फिर उसके बाद स्थिति में काफी तेजी से बदलाव आया और लीबिया में अशांति तेज हो गई। यूएन ने राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक संवैधानिक ढांचे पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद भवन को ही जला डाला, जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है। लीबिया, जिसके बारे में एक वक्त कहा जाता था कि जहां लोगों का जीवन स्तर पूरे अफ्रीका में सबसे बेहतर है, वहां पर आज लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। साल 2011 में नाटो के हस्तक्षेप के बाद मुअम्मर गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंका था, लेकिन उसके बाद से देश में लगातार अराजकता की स्थिति बनी हुई है। पिछले साल दिसंबर में लीबिया चुनाव करवाने में पूरी तरह से नाकाम रहा था और इसके पीछे कानूनी विवाद, राष्ट्रपति पद के विवादास्पद पर उम्मीदवार, देश में मौजूद दुष्ट मिलिशिया और विदेशी लड़ाकों की उपस्थिति प्रमुख वजह थी। चुनाव ना होना इस भूमध्य सागरीय राष्ट्र को शांति के रास्ते पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका था। प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान राजनीतिक वर्ग को हटाने का आह्वान किया है और वे चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इंग्लैंड का एक कबूतर अपने घर से भटककर अमेरिका पहुंच गया। इस दौरान कबूतर ने लगभग 4,000 मील की यात्रा की। इस खबर को सुनने के बाद मलिक के होश उड़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के एलन टॉड का कबूतर भटककर अमेरिका पहुंच गया है। 60 साल के एलन टॉड ब्रिटेन के ब्लेडन गेटशेड इलाके में रहते हैं। उनके इस खास कबूतर का नाम बॉब है और वो एक रेसिंग कबूतर है, जिसे ग्वेर्नसेड नामक टापू से उड़ान भरकर अपने मालिक के पास पहुंचना था। 3 सप्ताह पहले की इस यात्रा में उस कबूतर को लगभग 10 घंटे लगने थे, मगर काफी समय बाद भी वह घर नहीं पहुंचा तो कबूतर के मालिक एलन परेशान हो गए। काफी समय तक बॉब अपने कबूतर को लेकर अनजान रहे, लेकिन अचानक कुछ दिन पहले एलन को खबर मिली कि उनका कबूतर बॉब अमेरिका पहुंच गया है और एलाबामा प्रांत में है। बॉब यह खबर सुनते ही खुशी से झूम गए, मगर जब उन्हें एलाबामा राज्य की दूरी का अंदाजा हुआ तो वो सोच में पड़ गए। दरअसल अमेरिका में ये कबूतर एक बुजुर्ग शख्स के गार्डन में बिठा मिला और काफी भगाने के बाद भी वो नहीं भागा तो शख्स ने एक एनिमल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में सूचित किया। एनिमल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी ने जब बॉब के गले में लगे बैंड और एक माइक्रोचिप से जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि ये कबूतर अमेरिका का नहीं बल्कि इंग्लैंड का है। इसके बाद कर्मचारियों ने एलन को ट्रैक कर उसे मेल भेजा। ब्लेडन गेट्सहेड में रहने वाले 60 वर्षीय एलन ने जब ये मेल पढ़ा तो वो चौंक गए। अब उसे लाने में एलन के 3 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं।
एलन ने कहा कि वो अपने कबूतर को घर लेकर आएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, क्योंकि वो मेरा खास कबूतर है। भारत में बड़ी संख्या में लोगों का सपना अमेरिका में बसना होता है और हर साल अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक चलता है और यह 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर USCIS ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक इस साल अमेरिका में बसने वाले लोगों की संख्या लाखों में बताई गई है। अमेरिका ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 15 जून तक 6,61,500 लोगों को नागरिकता दी है। पहली तिमाही में भारत मैक्सिको के बाद प्राकृतिक अमेरिकी नागरिकों के लिए जन के देश के तौर पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के निदेशक एम जड्डू ने इस आंकड़े को लेकर कहा था कि हमारे देश में ऐतिहासिक तौर पर जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार तथा खुश रहने की स्वतंत्रता मिलने के कारण दुनिया भर से लाखों लोग अमेरिका में रहने आते हैं। इस बार टॉप 5 नागरिकता हासिल करने वाले देशों की सूची में चीन का नाम गायब है। बीते साल इस सूची में टॉप 5 देशों में मैक्सिको, भारत, क्यूबा, फिलीपींस और चीन शामिल थे। इन टॉप 5 देशों में कुल 35% लोगों को नागरिकता दी गई थी। वैसे विदेशों में रहने के मामले में भारत दुनिया भर में पहले पायदान पर है। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में देश से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 है। भारत के सबसे ज्यादा लोग संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। वहीं अमेरिका 2020 तक 51 मिलियन प्रवासियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के लोगों के लिए पहली पसंद है। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी दुनिया भर में रहने वाले प्रवासियों की संख्या का 18% के बराबर है। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड के पहले कोयला आयात का टेंडर गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को मिलना लगभग तय है। वही 5 जुलाई यानी कल मंगलवार को योगी सरकार 2 के 103 पूरे हो रहे हैं। इससे पहले सोमवार को सीएम योगी ने 100 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। तो उधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले तीसरे शार्प शूटर अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच वाराणसी में 35 दिन बाद आज सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद पर सुनवाई हो रही है। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। शीघ्र अदालत में अगले सप्ताह गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में एयरफोर्स कर्मियों का कहना है कि इसके चलते उनका करियर 20 साल की बजाय महज 4 साल का ही हो जाएगा। याचिका दायर करने वाले एडवोकेट ML शर्मा ने कहा कि मेरी अर्जी है कि सरकार की ओर से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसे कैंसिल किया जाए। सरकार कोई भी स्कीम ला सकती है, लेकिन यह बात सही और गलत की है। अब भी 70,000 लोग ऐसे हैं जो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। यह अर्जी जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी के वैकेशन बेंच के समक्ष दाखिल की गई है। अग्निपथ स्कीम कम से कम उन लोगों पर लागू होनी चाहिए जो पहले से ही चल रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल है और नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर तात्काल सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि यह सैनिकों के करियर का सवाल है। वकील ने कहा कि कई बार कोशिशों के बाद भी रजिस्ट्री विभाग की ओर से तारीख नहीं दी गई है। शर्मा ने कहा कि अदालत को 14 जून को रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन को कैंसिल करना चाहिए जिसमें अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड के पहले कोयला आयात का टेंडर गौतम अदानी की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस को मिलना लगभग तय है। दरअसल कोल इंडिया के लिए कोयला आयात करने के लिए अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने सबसे कम दर पर बोली लगाई है। बता दें कि यह टेंडर कोल इंडिया ने पावर जनरेशन कंपनियों की तरफ से जारी किया था। रिपोर्ट के अनुसार अदानी इंटरप्राइजेस ने फ्रंट ऑन रोड आधार पर 2,416 मिलियन टन कोयले की सप्लाई के लिए 4,033 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। वही मोहित मिनरल्स ने 4,182 करोड़ रुपए की बोली लगाई। चेट्टीनाड लॉजिस्टिक्स ने 4,222 करोड़ की बोली लगाई। शुक्रवार को बोलियां खोली गई। बता दें कि देश में कोयले की कमी को दूर करने के लिए विदेश से कोयला आयात कर 7 पब्लिक सेक्टर की थर्मल पावर कंपनियां और 19 निजी पावर प्लांट को उपलब्ध करने की योजना है। अदानी एंटरप्राइजेस को जनवरी और जून के बीच नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC से कोयला आयात के लिए
कई कंस्ट्रक्शन दिए गए थे। अदानी ग्रुप ने पिछले साल सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड में अपनी कर्माइकल खदानों से कोयले की पहली खेप भारत भेजी थी। उद्योग सूत्र के मुताबिक अदानी ग्रुप मंगलवार को खुलने वाले 6 मैट्रिक टन कोयला आयात करने के टेंडर के लिए भी बोली लगा सकता है। 5 जुलाई यानी कल मंगलवार को योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इससे पहले सोमवार को सीएम योगी ने 100 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। लोकभवन में उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोजर के साथ गांव गरीब पर फोकस होगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, अब नमाज और रामनवमी सड़कों पर नहीं होती है। 100 दिन में 525 इनकाउंटर हुए, 62 माफिया की 284 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी के जरिए 80,000 करोड़ का निवेश हुआ है, धार्मिक स्थलों से 74,400 लाउडस्पीकर हटवाए गए, फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया। सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 33 सीट पर जीत हासिल की, विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई। इसके अलावा भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल। यूपी में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने कार्यकाल पूरा किया, दूसरी बार जीत दर्ज की। योगी ने कहा 100 दिन के लिए 130 संकल्प लिए गए थे, इसमें 97 संकल्प पूरे हो गए। 130 संकल्प में से 97 संकल्प पहले बजट में शामिल किया गया। 100 दिन में निवेश की 80,000 से अधिक परियोजना का शिलान्यास हुआ, 1,400 से ज्यादा प्रोजेक्ट कवर हुए। इस सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले तीसरे शार्प शूटर अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल ने उसे रविवार रात की कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया। सिर्फ 18.5 साल के अंकित सिरसा ने हत्या के वक्त दोनों हाथ में हथियार लेकर मूसेवाला को गोलियां मारी थी। यही नहीं, उसे एक फोटो भी खिंचवाई जिसमें नीचे मूसेवाला लिखा है और बुलेट रखे हुए है। अंकित उसमें हाथ में हथियार पकड़ कर खड़ा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर HGS धानीवाल ने बताया कि मूसेवाला की हत्या के बाद यह एक दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुके। वह 5 राज्यों में मूव करते रहे। इस दौरान वह फतेहाबाद, तोशाम, पिलानी, कच्छ, मध्य प्रदेश, बिलासपुर, यूपी, झारखंड में रुके। इसके अलावा उनकी दिल्ली और हरियाणा में भी मूवमेंट हुई। मूसेवाला की हत्या में जो भी हथियार इस्तेमाल हुए उन्हें 2 दिन बाद यानी 1 जून को कोई अज्ञात आदमी लेकर चला गया। इसकी भी पहले से ही प्लानिंग की गई थी। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वही कत्ल में इस्तेमाल AK-47 के बुलंदशहर से खरीदने जाने की पुष्टि नहीं की गई। इतना जरूर कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को अहम इनपुट मिले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड ने इन शार्प शूटर्स को 28 मई को भी कॉल किया था। उन्हें 29 मई को वारदात करने को भी कहा गया था। वाराणसी में 35 दिन बाद आज सोमवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद शृंगार गौरी मंदिर विवाद पर सुनवाई हो रही है। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में केस की मेरिट पर सुना जा रहा है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। उन्हें सुनने के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस चलने लायक है या नहीं। इसके अलावा परिसर में मां शृंगार गौरी के दर्शन, पूजन और देवी देवता के विग्रहों को सुरक्षित करने पर भी पक्ष रखे जाएंगे। सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। उनके साथ वकील विष्णु शंकर जैन भी थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष के अनुसार मामला चलने योग्य नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ये बनाए रखने के लिए योग्य है। वहां पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है। इससे पहले 30 मई को मुस्लिम पक्ष ने केस को खारिज करने के लिए 39 पॉइंट पर दलीलें रखी थी। हालांकि कोर्ट ने छुट्टियों के चलते सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए टाल दी थी। हिंदू पक्ष की वादिनी 4 महिलाएं दीवानी कचहरी पहुंची है। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग पर सावन में जलाभिषेक की मांग रखेंगे। जिला जज के सामने प्रार्थना करेंगे कि वो भावनाओं का ध्यान रखे। एक ताजा अपडेट ये भी है कि हिंदू पक्षकारों में से एक राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को बतौर अधिवक्ता हटाया है। मान बहादुर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी का कोर्ट में वकालतनामा दाखिल किया गया। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।